हेलो एवरीवन, मैं हूं फिरोज खान और इस समय मैं खड़ा हूं कॉस्मोस क्रिकेट एकेडमी में। बहुत लंबे अरसे बाद ग्राउंड पर वापसी हो रही है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। और जो आज का हमारा वीडियो है वो एक बहुत लगातार पूछे जाने वाला सवाल है कि वाइड बॉल पर या नो बॉल पर या फ्री हिट पर स्टंप होता है या नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी चीज़ पर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। सबसे पहले बताता हूँ वाइड बॉल के बारे में। वाइड बॉल पे एक सब पूछा जाता है कि वाइड बॉल पर स्टंप होता है या नहीं। तो वाइड बॉल पर स्टंप होता है, हाँ, वाइड भी काउंट होगी। आपको जो एक्स्ट्रा रन जो मिलता है वाइड पर, आपको पेनल्टी का, वाइड की जो पेनल्टी यानी कि एक रन की, उसका आपको एक रन भी मिलेगा, वाइड भी काउंट होगी, लेकिन स्टंप होगा उसमें और वो विकेट भी जो जाता है वो बॉलर के खाते में ही जाता है। और उसके बाद अगर बात करते हैं नो बॉल की, तो नो बॉल में भी यही है। नो बॉल किसी भी फॉर्मेट के अंदर अगर नो बॉल पे जो बैट्समैन है स्टंप होगा तो वो नॉट आउट रहेगा। और अगर हम बात करें वनडे और 2020 क्रिकेट की, उसमें फ्री हिट होता है नो बॉल के बाद, तो उस पर भी बैट्समैन जो है वो नॉट आउट रहता है। अटेम्प्ट टू जब रन होगा तभी उसी कंडीशन के अंदर ही बैट्समैन आउट हो सकता है नो बॉल पर या फ्री हिट पर। जब बैट्समैन अटैम्प्ट करेगा रन के लिए तो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं प्लेयर्स कि यार बॉल अगर हाथ से कीपर के छूट जाए या कीपर छोड़ दे बॉल को उठा के फिर मार दे तो स्टंप्स पर, तो शायद ये आउट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बैट्समैन जब तक अटैम्प्ट नहीं कर रहा है रन को लेने के लिए, तब तक वो भले कितनी देर बाद भी क्रीज में लौटे वो आउट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और एकेडमी से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं आप, और बाकी डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी।